बीजेपी नेता संजय जायसवाल और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अभी एनडीए के सभी सहयोगी दल जो है वो मुलाकात कर रहे हैं, और ऐसे में बीजेपी नेता संजय जायसवाल और आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने बताया कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, समय पर सीट बंटवारा हो जाएगा। चिराग पासवान की नाराजगी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि चिराग पासवान नाराज नहीं है। दोनों नेताओं से बात की है संवाददाता आनंद अमृतराज ने। हम लोग सब साथी हैं, मिलते हैं, रहना ही है। आज मुलाकात हुई है, इस महाशिवरात्रि की शुभकामना देने आए हैं। चर्चा है कि कुशवाहा जी नाराज हैं कि भाई अब तक सीट को लेकर कुछ फैसला नहीं हुआ है। आप सब टीवी चैनल्स जो हैं वो टीवी चैनल्स को कोई न्यूज चाहिए, आप अपना न्यूज बनाइए, समय पर आप सबको पता चल जाएगा। तो ये कब तक हो जाएगा सर? समय पर सबको पता चल जाएगा। भाई तो हम लोग एक साथ हैं, एक साथ चुनाव लड़ना है, तो इसमें क्या अस्वाभाविक है? कोई अस्वाभाविक तो है नहीं, इसको क्यों आप खबर क्या है? कोई खबर भी नहीं है। तो ये सीट बंटवारा अब तक नहीं हुआ सर, कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। देखिए क्या चर्चा तो आप लोग चलाते हैं, बिना वजह चर्चा चलाते हैं। सीट बंटवारा का सवाल है तो कहीं कोई दिक्कत है क्या? सब कुछ समय पर आप सब लोगों को बता दिया जाए। जेडीयू के आने के बाद कुछ दिक्कत हो रही है क्या आप लोगों को, जो पिछले बार आप 3 सीट पर लड़े थे? नहीं, किसी के आने के कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है, और जो आप चाहते हैं समय पर वह भी जानकारी दे दी जाएगी।